चाहिए होते हैं पिंक हाइड्रेटेड सॉफ्ट और सपल लिप्स, लेकिन हम क्या करते हैं, मार्केट वाले लिप बाम को इतना ज्यादा यूज करते हैं कि हमारी जो लिप्स की स्किन है वो दिन पर दिन ज्यादा डार्क दिखने लगती है। ज्यादा लिपस्टिक का इस्तेमाल करना और होंठों को मॉइस्चराइज ना रखने की वजह से आपके लिप्स काफी ज्यादा अनहेल्दी, काफी ज्यादा अनहाइड्रेटेड और रूखे हो जाते हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त सा लिप बाम, जो कि आप घर पर बना सकते हो और अभी के टाइम पर आपके गार्डन में गुलाब बहुत अच्छे से खिल रहे होंगे, क्यों ना उनका फायदा उठाया जाए और घर पर ही बनाया जाए एक बेहतरीन लिप बाम जो कि आपके होंठों को बनाएगा काफी ज्यादा प्लम्प, सॉफ्ट एंड हाइड्रेटेड। और इसके लिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिए हैं गुलाब के फूल, मैंने 8 से 10 गुलाब के फूल लिए हैं, इतनी ज्यादा नीड नहीं होने वाली है हमें। चलिए मैं आपको बताऊंगी कैसे बनाएंगे। गुलाब जो होता है दोस्तों आपके लिप्स के लिए काफी अच्छा होता है, ये लिप्स को काफी सॉफ्ट बनाता है, पिंक बनाता है। इसके लिए आपको इन गुलाब के फूलों को क्या करना होगा, गुलाब के इन फूलों का लिप बाम तैयार करने के लिए सबसे पहले आपको एक क्रशर की नीड होगी। तो यहाँ पर मैंने एक क्रशर ले लिया है और इसके अंदर मैं गुलाब की पंखुड़ियां जो कि मैंने तोड़ करके ली है वो मैं इसके अंदर डाल दूं। पहले चाहे तो अच्छी तरह से वॉश कर लेना, उसके बाद में इसको अच्छी तरह से कूट करके आपको इसका पेस्ट तैयार करना होगा। तो हम यहाँ पर इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे, 4 से 5 गुलाब की पंखुड़ियों को तोड़कर इसका पेस्ट ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से तैयार कर लिया है। होगा सबसे पहले आपको एक बॉल लेना होगा और इसमें मैं यूज कर रही हूँ वेजलीन पेट्रोलियम जेली। ये जेली आपके होंठों की स्किन को काफी सॉफ्ट करती है, हाइड्रेट करती है और काफी प्लम्प बनाती है। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा वेजलीन लिया है 1 से 2 चम्मच के बराबर, इसको मैं एक पैन के अंदर डाल देती हूँ। इसी के साथ में गाइज नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट आपको यहाँ पर लेना है, इवन 400 ले सकते हो, मैं यहाँ पर विटामिन ई कैप्सूल ऐड करूंगी। इसके अंदर 2 विटामिन ई यूज करेंगे। विटामिन ई भी आपके होंठों को काफी ज्यादा सॉफ्ट करने में हेल्प करता है, जो क्रैकनेस आपके होंठों पर बनी रहती है उसको ये दूर करता है नेचुरली। नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे कोकोनट ऑयल। अब यहाँ पर मैंने 3 से 4 चम्मच कोकोनट ऑयल डालना है और साथ ही साथ जो गुलाब की पत्तियों का पेस्ट मैंने बना करके रखा है वो मैं इसको डाल दूंगी। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसको और बिल्कुल लो फ्लेम पर गाइस हम इसको पकाएंगे। लो फ्लेम पर इसलिए पकाएंगे ताकि जो गुलाब की जो पत्तियां हैं वो आसानी से इसका एक्सट्रेट तेल और जेली के अंदर आने लगे। और आप चाहे तो इसके अंदर 1 चुटकी फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं जिससे कि अच्छा कलर आ जाएगा आपके इस लिप बाम का। तो थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर दीजिएगा और इसको मिक्स कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। और फिर दोस्तों छानने के बाद मैंने इसको एक प्लास्टिक कंटेनर के अंदर रख दिया है और जब ये थोड़ा सा फ्रिज के अंदर आप रखेंगे तो ये कम्प्लीटली सेट हो जाएगा और काफी अच्छे से आपका जो नेचुरल पिंक लिप बाम होगा वो कुछ इस तरह से आपके पास तैयार हो जाएगा। बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी आपको इससे और ये काफी ज्यादा सॉफ्ट बनाएगा आपके होंठों को। बहुत ही नेचुरल लिप बाम है, आप घर पर ट्राई कर सकते हो उसको बना करके। थोड़ा सा आपने लेकर इसको अपने लिप पर रोजाना लगाना है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।